सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अनुमान गलत हो सकता है पर अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख है। जिंदगी दो दिन की है, एक दिन आपके हक में एक दिन आपके खिलाफ। जिस दिन हक में हो गुरूर मत करना और जिस दिन खिलाफ हो थोड़ा सा सब्र जरूर करना। आज का पंचांग 23 अगस्त 2020 दिन रविवार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि शाम 5:04 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चित्रा नामक नक्षत्र शाम 5:06 तक रहेगी। इसके उपरांत स्वाति नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 5:03 से 6:48 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:04 से 12:55 तक रहेगा। आज चंद्रमा तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगी। मीन राशि 23 अगस्त 2020 दिन रविवार। सामान्यतः आप काफी स्पष्ट सोच रखते हैं, लेकिन आज आप अपनी निजी समस्याओं और अपनी असुरक्षाओं से घिरे होने के कारण स्पष्ट नहीं सोच पाएंगे। इसीलिए आज के दिन किसी नए काम को हाथ में लेने या नई साझेदारी के लिए उपयुक्त नहीं है। आपके आज के फैसले गलत हो सकते हैं, इसलिए भविष्य के कार्यक्रमों की योजना आज बनाना सही नहीं है। आज आराम करें। भाग्य की अपेक्षा कर्म पर विश्वास अधिक रखें। कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है। आपकी योग्यता व कार्य क्षमता आपके लिए नए उपलब्धियां तैयार करेगी तथा रिश्तेदार व दोस्तों के साथ भी संबंध और अधिक मजबूत होंगी। अच्छा, आपको अपने सहयोगियों और दोस्तों से बहुत अच्छा समर्थन और सहयोग मिल सकता है। आप अपने टीम या सहयोगियों के साथ बाहर जाने की योजना बना सकती हैं या अपने किसी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने का प्लान बना सकते हैं। आपको अच्छे अपने जीवन साथी या प्रेमी से कोई सरप्राइज मिल सकता है जो आपको खुश करने के साथ ही भावुक भी कर सकता है। काम में आपका दोस्त बहुत सहयोगी रहेगा। उन्हें भोजन के लिए ले जाएं और उन्हें अच्छा महसूस कराएं। सावधानियां। आय के स्रोतों में कमी और खर्चों की अधिकता रहने की वजह से कभी कभी मन परेशान रह सकता है, परंतु इस समय नकारात्मक वातावरण की वजह से इस बात के लिए तनाव लेना उचित नहीं है। समस्या या समाधान निकालने के लिए अनुभवी व्यक्ति के साथ विचार विमर्श करें। लव लाइफ की बात करें तो आज आप प्रेम से ओतप्रोत होना चाहते हैं और आज के दिन आपने अपने साथी के साथ साझा करने के लिए योजना बनाई है, लेकिन अन्य कारणों के चलते आज आप रोमांस और प्यार से दूर रह सकते हैं। समय के अभाव के कारण आपको प्रेम प्रसंगों से दूर रहना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ बड़ा ना कर पाए तो प्यार से ओतप्रोत कुछ प्रेम से भरी वस्तु या अपना त्वरित प्रेम अपने साथी को आप दिखा जरूर सकते हैं। करियर की बात करें तो आज आपके छुपे हुए शत्रु से आपको सावधान रहने की जरूरत है, जो कि आपके कार्य क्षेत्र में आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। वे आपके बारे में अति गोपनीयता से आपके बारे में गलत बातें आपके मालिक तक पहुंचा सकते हैं, जिसका साक्ष्य भी आपको मिल सकता है। अंतः सावधान रहने की जरूरत है। अपने क्रोध को संयमित रखें ताकि आपके कार्य पर इसके उल्टा प्रभाव ना पड़े। इसके विपरीत आपको अपने लिए नए वादों को पूरा करके समय पर दिखाना होगा, जैसे कि अपने
वादों को पूरा करके समय पर दिखाना होगा, जैसे कि आपने वादा करते वक्त कहा था। सेहत की बात करें तो जब तक आप दूसरों को अच्छी तरह खाना नहीं खिला लेते, आपको तसल्ली नहीं होती, लेकिन इतना ही ध्यान आपको अपना खुद का भी तो रखना चाहिए। अच्छा खाना खाएं, अच्छी नींद लें और खूब आराम करें, जिसके आपके परिवार को लंबे समय से जरूरत है। कुकिंग क्लास ले सकते हैं ताकि आपको अपना मनपसंद खाना तैयार करने और खाने की प्रेरणा मिले। जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ बिना बात अपने स्वास्थ्य की चिंता कर व्यर्थ तनाव ना पालें। आज का उपाय, आज अब गरीबों को दान पुण्य करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।